मैनपुरी से नामांकन कर दिया है मुलायम सिंह यादव ने, उनकी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? ये देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है, मैनपुरी बाई तरफ है, देश में सबसे बड़ी जीत अगर किसी की होगी और गिनती में बड़ी जीतों में अगर कोई गिनती की जाएगी तो नेताजी की होगी। ऐतिहासिक जीत इस बार दर्ज करेंगे वो, लेकिन मायावती पर वो कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है जब उनसे सवाल पूछा गया। शायद सुन नहीं पाए होंगे आपका सवाल, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि वो जानते हैं गठबंधन है सपा और बसपा का, उसी गठबंधन के तहत वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं और सपा बसपा की तैयारी पूरी है। मैनपुरी में उनके वर्कर्स की बैठक हो चुकी है, संगठन की बैठक हो चुकी है। मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों पार्टी के नेता मिलकर के और जनता से अपील की है कि सबसे ज्यादा वोटों से जिताएं। मायावती जी आ रही हैं 19 तारीख को मुलायम सिंह जी के लिए रैली करने के लिए, लोगों से अपील करने के लिए कि मुलायम सिंह यादव को वोट करें मैनपुरी की जनता। रैली है और नेताजी को रहना है उसमें, गठबंधन की रैली है और नेताजी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं तो जरूर नेताजी रहेंगे, ये मैं भी कहता हूँ और मैंने कहा भी है उनसे। कितनी सीटें आ रही हैं उत्तर प्रदेश? ये क्योंकि गठबंधन का समय है, भारतीय जनता पार्टी के पास 40 पार्टियों का गठबंधन था, उत्तर प्रदेश में केवल अभी दो दल के साथ मिले हैं, अभी कोई बहुत बड़ा गठबंधन नहीं हुआ, अभी दो दल एक साथ आए हैं और दो दल की ताकत ये है, तीसरा दल और साथ आया है कि सबसे ज्यादा सीटें ये गठबंधन जीतने जा रहा है, इसी की घबराहट है जिसके लिए वो कह रहे हैं महामिलावट है। हम कहते हैं अगर महामिलावट है तो हमारी महामिलावट में से कुछ मिलावट आपने क्यों निकाल ली, उस मिलावट में क्या पसंद आ गया आपको जो इस महामिलावट से निकाल लिया। राहुल गांधी अमेठी के अलावा वायनाड सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और बीजेपी कह रही है कि स्मृति ईरानी के डर से भाग रहे हैं राहुल गांधी। कोई भी नेता कहीं से भी लड़ सकता है, मैं खुद भी दो लोकसभा से लड़ा था, मैं इसलिए नहीं लड़ा था कि डर गया था, और भी लोग हैं जो दूसरे प्रदेश के हमारे प्रदेश में आए हैं लड़ने, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि डरने की वजह से आए हैं, वो ये जानते हैं हमारे प्रदेश में चुनाव लड़ने आए थे कि वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश से अगर चुनाव लड़ा जाएगा तो शायद प्रधानमंत्री तक पहुंचा जा सकेगा। प्रियंका गांधी कैसी है राजनीति में, अभी नई नई एंट्री हुई है उनकी? चुनाव शुरू हो गया है और गठबंधन है, मैं नहीं समझता हूँ कि मैं कुछ कह सकता हूँ। की बात तो होती थी जब आप दोनों लोगों का यानी कि कांग्रेस सपा का गठबंधन हुआ था, प्रियंका गांधी ने भी फोन किया था, इस तरह की खबरें मीडिया में आई थी, अब बातचीत नहीं होती? देखिए वो पुरानी बात थी, लेकिन इस गठबंधन के साथ जो ये चुनाव चल रहा है सपा बसपा और आरएलडी साथ साथ हैं, और जहाँ तक पूर्वांचल की बात है सपा और बसपा मिलकर के भाजपा का सफाया कर देंगे। बारात तो आपकी इतनी बड़ी है, दूल्हा गायब है, प्रधानमंत्री कौन बनेगा? ये जरूरी थोड़ी है, दूल्हा आज तय कर दें और जब चुनाव खत्म हो जाएगा दूल्हा अपने आप बन जाएगा, नया प्रधानमंत्री का नाम आ जाएगा, हम तो दूसरी बात कहते हैं। अखिलेश यादव रेस में है कि नहीं है? मैं बनाने वाली रेस में हूँ, मैं बनने वाली रेस में नहीं। मुलायम सिंह जी ने भी कह दिया मैं रेस में नहीं हूँ, आप कह रहे हैं मैं बनाऊंगा, तो क्या मायावती बनेंगी प्रधानमंत्री अगर आपका गठबंधन प्रचंड तरीके से अच्छे मार्जिन से जीतता है और ज्यादा सीटें लाता है? वैसे देश के किसी हिस्से से कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, नाम लेने से बचते हैं मायावती। मैं कह रहा हूँ कि देश के किसी भी हिस्से से कोई भी बन सकता है। हमने कांग्रेस को लेकर बात की, कल शाम को मैं भी चौकीदार एक बहुत बड़ा कैंपेन प्रधानमंत्री की ओर से आयोजित किया गया, महात्मा गांधी का नाम लिया, उन्होंने कहा भरोसे का नाम है चौकीदार। देखिए ये चाय वाली बात से लेकर के चौकीदार वाली बात समझ में नहीं आ रही है, और इसलिए देश को समझ में नहीं आ रही है चाय वाले का क्या हुआ और नई बात आ गई चौकीदार की। देश ये सुनना चाहता है कि जिस पार्टी ने जिस नेता ने सबसे ज्यादा वादे किए, कम से कम उन वादों पे कुछ कोशिश तो होती, लेकिन वादों के खिलाफ काम हुआ। इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए YouTube पर न्यूज तक को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ 2019 की हर खबर, हर चुनावी खबर सिर्फ न्यूज तक पर, सिर्फ सब्सक्राइब नहीं साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइए।